उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से अलाइव 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु भाकुनी। सुशांत सिंह राजपूत केस को 60 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस इस केस में कोई भी ठोस सबूत अपने हाथ नहीं लगा सकी है। इसीलिए लोगों की ये लंबे समय से मांग चल रही थी कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब जबकि ये केस सीबीआई के हाथों आ चुका है, तो ऐसे में आप लोगों का ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सीबीआई ने इस जांच के लिए जिस विशेष जांच दल का गठन किया है, उनमें कौन कौन से काबिल अफसरों को शामिल किया गया है। सीबीआई की एसआईटी टीम में पहला नाम शामिल है गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर मनोज शशिधर का। मनोज शशिधर इस एसआईटी टीम को लीड भी करेंगे और इस एसआईटी टीम के मुखिया भी हैं। दरअसल मनोज शशिधर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं। मनोज शशिधर गुजरात कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में शशिधर सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। शशिधर ने अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच, वडोदरा के पुलिस कमिश्नर, अहमदाबाद के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और गुजरात में 5 जिलों में एसपी के रूप में काम किया है। उन्हें इस साल फरवरी से सीबीआई में डेप्यूटेशन पर भेजा गया। सीबीआई में आने के बाद वह अवैध खनन घोटाला, विजय माल्या केस, अगस्ता वेस्टलैंड और अन्य संवेदनशील राजनीतिक मामलों की निगरानी कर चुके हैं। गुजरात में तैनाती के दौरान उन्होंने हत्या के कई मामलों की निगरानी भी की है। सीबीआई से पहले मनोज शशिधर गुजरात में स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में एडिशनल डीजी थे। वहीं सीबीआई की इस एसआईटी टीम में सीबीआई के डीआईजी गगनदीप गंभीर, एसपी नूप और एडिशनल एसपी अनिल यादव का नाम भी शामिल है। बिहार की गगनदीप गंभीर 2004 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। गगनदीप पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर भी रह चुकी हैं। पश्चिमी राज्यों के कई जिलों में बतौर एसएसपी सेवाएं भी दे चुकी हैं और 1.5 साल पहले ही सीबीआई में इनकी नियुक्ति हुई है। गगनदीप कई हाई प्रोफाइल केस समेत कई बड़े घोटालों की जांच टीम का भी हिस्सा रही हैं। उन्होंने अवैध खनन मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कथित भूमिका की जाँच को भी सुपरवाइज किया था। इसके बाद इन्हें सृजन घोटाले और पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ केस करने वाली यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया था। ज्वाइंट डायरेक्टर साई मनोहर की अगुवाई वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में गगनदीप के पास डीआईजी का अतिरिक्त प्रभार भी था। वही टीम जो विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रही थी और इसे पहले राकेश अस्थाना हेड कर रहे थे। कोयला घोटाले से भी जुड़े कुछ मामलों की जाँच गगनदीप ने की है। नुपुर प्रसाद 2007 बैच के AGMUT कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से नुपुर बिहार के टिकारी के सलेमपुर गांव की रहने वाली हैं। वह दिल्ली में शाहदरा की डीसीपी भी रह चुकी हैं। उन्हें सीबीआई की सुपर कॉप के रूप में भी जाना जाता है। वे हत्या के कई मामलों और ऑनलाइन वित्तीय घोटालों की जांच कर चुकी हैं। पिछले साल नुपुर को सीबीआई में डेप्यूटेशन पर भेजा गया था। नुपुर भी उस टीम का हिस्सा है जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले और विजय माल्या केस की जांच कर रही है। महिला आरोपियों से पूछताछ करने में उन्हें महारत हासिल है। अनिल यादव सीबीआई में एडिशनल एसपी हैं। वे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड, शोपिया बलात्कार केस और विजय माल्या केस की जांच टीम में शामिल रहे हैं। MBBS स्टूडेंट नम्रता डामोर की मौत की भी जांच की। ये वही छात्रा थी जिसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था। अनिल यादव मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वह सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी में एक जांच अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। अनिल को 2015 में गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की टीम में एक अहम नाम है सुवेज हक का। सुवेज हक का इस जांच दल में अहम रोल होगा। दरअसल सुवेज हक सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वहीं सीबीआई में डीआईजी के पद पर तैनात सुवेज हक को सुशांत मामले में सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
उन्हें साल 2018 में 5 वर्षों के लिए सीबीआई में डेप्यूटेशन पर भेजा गया था। भीमा कोरेगांव हिंसा के दौरान वह एसपी पुणे ग्रामीण थे। उनकी टीम ने ही हिंसा भड़काने वाले दक्षिणपंथी कार्यकर्ता मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तार किया था। साल 2015 में शीना बोरा मर्डर केस मामले की जांच में भी वो शामिल थे। मुंबई पुलिस में रहते वक्त उन्होंने इस केस के अहम आरोपी को गिरफ्तार किया था। साल 2012 में उन्होंने रायगढ़ में एक जली हुई लाश मिलने के बावजूद केस का खुलासा नहीं होने पर एक जांच के आदेश किए थे। यह मामला उन दिनों काफी चर्चा में रहा था। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।